यूपी का एक गांव अपनी खासियत की वजह से पूरे देश में पहचाना जाता है। शायद आप इस गांव को नहीं जानते होंगे, लेकिन इस गांव ने देश के कोने कोने में अपने कारनामों के झंडे फहराए हैं। इस गांव के प्रसिद्ध होने का कारण है टमाटर। गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां सलारपुर खालसा की जमीन पर पैदा हुआ टमाटर न जाता हो। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का छोटा सा गांव है सलारपुर खालसा। 3500 की आबादी वाले इस गांव का नाम पूरे देश में छाया हुआ है। इसका कारण है टमाटर। गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तकरीबन 17 साल से यहां के टमाटर आसपास के गांव में जमापुर, सूदनपुर, अंबेडकर नगर में छाए हुए हैं। गांव में 17 साल से चल रही टमाटर की खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा टमाटर की खेती इसी गांव में होती है। कारोबार की बात करें तो 5 माह में यहां 60 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। कहीं कहीं तो इसे 1 अरब तक का भी कारोबार कहा जाता है। जनपद में 1200 हेक्टेयर में होने वाली टमाटर की खेती में इन 4 गांव में ही अकेले 1000 हेक्टेयर में खेती की जाती है, जिसके चलते यह गांव मुरादाबाद मंडल में अव्वल नंबर पर है। जबकि सूबे में भी टमाटर की खेती में आगे रहने वाली जगहों में इस गांव का नाम शामिल है। पिछले कुछ साल की बात करें तो प्रदेश में 1.5 क्विंटल टमाटर की बीज की बिक्री हुई है, जिसमें अकेले सलारपुर खालसा में 80 किलो बीज बिका था। और बात कारोबार की करें तो 5 माह में यहां 60 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जाता है। जिले में टमाटर की खेती की शुरुआत सन 1998 से हुई है। उस समय अमरोहा निवासी अब्दुल रऊफ ने सबसे पहले टमाटर की खेती की थी, जिसके बाद टमाटर बीज व कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों ने इसे रुख किया और किसानों को प्रोत्साहित कर जागरूक किया, जिसमें किसानों को राजस्थान और बेंगलुरु में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। यह टमाटर के कारोबार से रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसकी बिक्री शुरू की जाती है। तब जिले से 30 गांव के लोग यहां काम खोजने के लिए दौड़े आते हैं। कामगार यहां एक दिन में 300 से 400 रुपए की मजदूरी कर लेते हैं। इस काम में गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपना हाथ बटाता है। हालांकि यह पूरे साल नहीं होता, मगर 4-5 माह के लिए रोजगार को खासा बढ़ावा मिल जाता है। कारोबार के साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है, जिससे साल भर खेती की गुंजाइश हो सके।